सब्सक्राइब करो निडर आवाज टीवी नू ते ताजा वीडियोस पाउन लई बेल दा बटन दबाओ। पिंड सबरा विखे बैंक विचों पैसे कढ़वा के अपने घर वापिस जा रही महिला को एक बाइक सवार नौजवान वालों नकदी खो के फरार हो जाण की खबर सामने आई है, जिसके खिलाफ थाना सदर पट्टी च मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पुलिस नू दर्ज करवाए बयान च जगदीप सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह वासी सबरा ने दस्या कि उसकी पत्नी मनजीत कौर अज दोपहर करीब एक बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सबरा विचों 4,000 रुपए कढ़वा के अपने घर नू वापिस परत रही सी। तां रस्ते विच इक मोना नौजवान सिटी 100 मोटरसाइकिल ते सवार हो के आया, जिसने उसकी पत्नी का पर्स झपट मार के खोलिया ते फरार हो गया। उसकी पत्नी ने घर आन के जद उसनू सारी घटना दसी तां जिस तों बाद उन्हां वल्लों अपने तौर ते पुछ पड़ताल करन ते पता लग्या कि वह झपट मार साडे ही पिंड दा गुरबिंदर सिंह है, जिसकी शिकायत पुलिस नू दर्ज करवा दिती गई है। उधर दूजे पासे पुलिस वालों दोषी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी भाल लई छापेमारी की जा रही है। की नाम की अपना? जगदीप सिंह जी। की गल हुई जी? गल हुई जी, मेरे घर वाले गए थे बैंक जी पैसे कढ़ाउण। हां जी। 12:30 बजे पैसे कढ़ा ले जी। पैसे कढ़ा के लैके आ रहे थे बाबे वीर सिंह गुरद्वारा लंघे, उतो आके मगरों एक लुटेरा आ रहा है मोटरसाइकिल से, उन्होंने उन्होंने धक्का मारा जी जोर ना, वो थले डिग पे जी, लिफाफा फट के भज गया जी। तो मोटरसाइकिल बहुत तेज सी जी उन्होंने, गाड़ी वीर ने कैमरे लगे हुए थे लबोरटरी वाले जी, छेती छेती इन्हें रौला पाया, रौले च कोई है नहीं सीगा लॉकडाउन होने करके। तो उन्होंने चलो बेचारे पास वाले मदद की, लबोरटरी खिला के असी जो उन्होंने कैमरे के देखा मोटरसाइकिल सवार सीगा, खट्टे परने मूँह बन्या सीगा, खट्टे परने मूँह बन्या सीगा, तो सारा ही जो वेख्या ना विखाया सानू लबोरटरी वाले ने वीडियो भी इतों पैसे खोए इतों ऐ भजया ये। तो मुड़ के अं दरखास्त दी सी पुलिस वाले, मेरी घरवाली मेरे नाल आ जी, कोई दरखास्त दी पुलिस वाले, तो पुलिस वाले ने बहुत ही छेती चोर नू फड़ लिया जी, घंटे डेढ़ घंटे जी बहुत छेती चोर नू फड़ लिया। अभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पुलिस वाले का भी जिहड़ा ना वीरां ने फड़िया। की नाम की अपना? मनजीत कौर है जी। की गल हुई जी? वीरे मैं 11:30 बजे बैंक चो पैसे कढ़ाने वास्ते गई थी, तो मैनू 12 बजे पैसे मिल गए। पैसे लैके मैं जो उत्थे वापस आन लगी हैं तो बाबे वीर सिंह गुरुद्वारा मैं लंघे आई हूँ, लंघ के आँदे सार असी दो जनिया बराबर बराबर तुरियां आदियाँ, पिछों ही मुंडा मोटरसाइकिल लैके आया, इन्हें एकदम जोर ना धक्का मारिया, तो धक्के दे नाल ही ये मेरा लिफाफा खो के भज गया। मैं रौला तो पाँदी जे कोई हुंदा अगे, कोई नहीं हैगा, असी दो ही जनिया सी अगे, एक ना लबोरटरी वाला सीगा उहदे कैमरे लगे हुए सी, मुंडिया ने फोन करके उहदी लबोरटरी खिलवाई है, जो उन्हें लबोरटरी खोली तो मुंडा उहदे विच कवर हो गया। उदो बाद असी चौंकी जाके दरखास्त दित्ती है, तो चौंकी वालिया ने 2-2.5 घंटे के विच विच बंदा बरामद कर लिया। मैं इन्हां चौंकी वालिया का भी धन्यवाद करती हाँ, तो उन्हां वीरां का भी धन्यवाद करती हाँ, जिहड़े मुंडे मेरे नाल भज के रले तो उन्होंने मेरी मदद की, जिथों तक मैंने मोटरसाइकिल से फटाफट दोबारा बैंक भी लैके गए, चौंकी भी लैके गए, तो उन्होंने बंदा बरामद कर लिया। गांह भी सानू उम्मीद होवे कि साडा इदां ही साथ दे, चौंकी वाले वीर का पुलिस वाले का मैं धन्यवाद करती हाँ जिन्ह ने साडी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का जिहड़ा इन्होंने सानू साडा समान भी दवाया तो जां साडे पैसे भी वापस करवाए। मैं भाई महामारी चलदियां दौरान जिन्ना कोई शरारती अंतर जां लुट खोह जिहड़ी करदे ने इन्हां संबंधी सर जिद्दां पिंड सभरा दे विच कल वी इहो जिही घटना कहिंदे वापरी सी, क्योंकि औरत जिहड़े बैंक चों पैसे कढ़ा के लै गई जा रही थी उहदा किसे ने पर्स खोया सी, उस संबंधी की कार्रवाई सर कीती गई जी? कल मैं शाम नूं बस अड्डा सभरा करदे संबंध मौजूद से, मेरे पास जगदीश सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह ने अपना बयान लिखाया कि उसकी पत्नी मनजीत कौर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सभरा तो 4,000 रुपए लैके अपने घर में आ रहे थे, 200 रुपया पिछले भी कुल 4,500 रुपया है, पिछले एक नौजवान आया तो वो हाथ ने फड़े पर्स झपट मार के खो के लै गया, वो जो साढ़े को बयान लिखाया अभी मुकदमा दर्ज कर लिया, उसे थाने भेजता, मुकदमा दर्ज करते तुरंत ही हरकत में आए, हरकत में आते इस मुकदमा में जो दोषी ही वो गुरविंदर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह वासी सभरा गिरफ़्तार कर लिया, वो पासों 400 रुपया बरामदगी हुई है, एक मोटरसाइकिल बरामद होया, दोषी भी अभी गिरफ़्तार किया, फिर मान योग अदालत में पेश किया। की सर धारा लाई गई है? धारा तुरंत जो बनती है तो खिलाफ़ जो जुर्म किया 379(b) IPC।
ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।